दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 25 फरवरी का दिन है, शनिवार का दिन है। आप सभी को लेकर चलते हैं हर की पैड़ी के प्रमुख घाटों पर और दर्शन कराते हैं। आज जो है वीडियो की शुरुआत हमने दूसरी साइड से की है। अभी हम जो गौ घाट का पुल है, जिसे हाथी पुल कहते हैं, वहां पर खड़ा हूं और शिव पुल से होते हुए हम हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक पहुँचेंगे। तो वीडियो में बने रहें। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि अच्छे से दर्शन आपको कराएंगे सभी घाटों के। हर की पैड़ी के जो घाट हैं वो भी देख पाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ के जो आसपास के जो घाट हैं वहाँ के भी दर्शन कराएंगे आपको। देखिए माँ गंगे के दर्शन करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। गौ घाट से सीधे अगर आप जाएंगे तो आगे पहुँच जाएंगे, हाईवे नज़र आ रहा होगा। इस जो गेट नज़र आ रहा है, इस गेट को पार करके आगे जाएंगे तो हाईवे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ऋषिकेश भी जा सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लास्ट तक देखें। सभी घाट और अच्छे से माँ गंगे के दर्शन कराएंगे। हालांकि हमें वापस आना होगा और शिव घाट के लिए थोड़ा सा बैक आना होगा, क्योंकि अगर आप सामने जाते हैं तो गौ घाट और सुभाष घाट से होकर हर की पैड़ी पहुँचेंगे और मैं आपको शिव घाट की ओर से ले चलूँगा। और इस तरफ अगर जाएंगे तो ये देखिए, ये जो घाट आपको नज़र आ रहा है ये है गौ घाट और उस तरफ है सुभाष घाट, लेकिन हमें इस तरफ से होकर जाना है। ये देखिए इस तरफ है शिव घाट। तो आइए वापस चलते हैं। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, डिटेल में आप दर्शन करेंगे, देर तक दर्शन होंगे आपको। ये गेट से लगभग 100 मीटर आगे जाएंगे तो आप हाईवे में पहुंच जाएंगे और वहां पर विक्रम खड़े रहते हैं, 60 रुपए देकर आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। आइए अब चलते हैं शिव घाट की ओर। इस तरफ भी गौ घाट पड़ता है और गंगा जी के उस तरफ भी गौ घाट पड़ता है। हालांकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है और जब हम हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक पहुँचेंगे तब हमें क्लियर पता चलेगा कि आज कितनी ज़्यादा संख्या है। हालांकि शनिवार है, वीकेंड में तो ज़्यादा लोग आते ही हैं। और ये रहा मनसा देवी मंदिर, आप सभी दर्शन करें। और थोड़ा सा जूम करते हैं, मनसा देवी मंदिर को देख सकते हैं आप। मैं अभी गौ घाट में खड़ा हूं और गंगा जी के उस तरफ भी गौ घाट है और इस तरफ है शिव घाट। दर्शन करते जाइए आप। ये घाट जो है आपको खाली नज़र आ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आज हरिद्वार में इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जब मुख्य घाट की ओर आप पहुंचेंगे तब सच्चाई आपको पता लगेगी। बस कुछ सेकंड में हम शिव घाट तक पहुंच जाएंगे। जो लोग सुकून से आराम से स्नान करना चाहते हैं तो उनके लिए ये घाट है। यहाँ पर रेलिंग भी सेफ्टी के लिए लगी हुई है और उसके साथ साथ यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, आप आराम से स्नान कर सकते हैं। और ये रहा शिव घाट, देखिए ये है शिव घाट। जैसे ही हम ब्रह्मकुंड घाट के आसपास पहुंचेंगे, वहां पर अच्छे से जल के पास पहुंचेंगे और अच्छे से माँ गंगे के दर्शन कराएंगे। ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है
ये शिव पुल है। वीडियो कैसी है कमेंट करके बताएं, जय गंगे माता ज़रूर लिखें। ऐसी ही लगातार वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि लगातार ऐसे ही आप तक हरिद्वार ऋषिकेश की जानकारी पहुंचती रहे और उसके साथ साथ सुंदर सुंदर दर्शन आप करते रहें। शिव पुल के माध्यम से हम आगे हर की पैड़ी में पहुंचेंगे। और अब हम शिव पुल के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। शिव पुल में पहुंच चुके हैं। देखिए आप, यहां से काफी अच्छे व्यू नजर आ रहे होंगे। बड़ी धारा के अगर व्यू आपको देखने हैं तो आप लोग शिव पुल में खड़े हो जाइए और यहाँ से खड़े होकर आप बहुत ही अच्छे जो व्यू हैं वो देख सकते हैं। आपको हर तरफ जल जल नज़र आ रहा होगा। चलिए बिना देरी किए हुए, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हम हर की पैड़ी तक पहुँचें और वहाँ के आपको मुख्य दर्शन करा सकें। शिव पुल में मार्केट लग जाती है एक तरफ, वीडियो की क्वालिटी तो ठीक आ रही है ना आज, बट आप लोग शेयर करते जाइए, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, जहां भी शेयर करना चाहें स्टोरी में वीडियो को लगा सकते हैं। कुछ ही सेकंड में हर की पैड़ी के दृश्यों के साथ हम आपके सामने होंगे। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर संख्या जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो आपको नज़र आ रही होगी। पिछले जो घाट आपने देखे थे वहाँ लग रहा होगा कि आज तो श्रद्धालु बहुत कम है, लेकिन यहाँ से देखिए ये है मुख्य घाट। आइए चलते हैं ब्रह्मपुंड घाट की ओर। आज भी काफी तेज गंगा जल का बहाव नजर आ रहा है। ये देखिए गंगा जल का बहाव आज भी काफी तेज नजर आ रहा है। दर्शन करिए, कमेंट में जय गंगे माता लिखते जाइए। अच्छा लगता है वैसे, आप लोग देर तक वीडियो देखना भी चाहते हैं, इसी वजह से मैंने आज थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाई है, ताकि हर की पैड़ी के घाट के साथ साथ जो पास वाले और भी घाट हैं उनको भी आपको दिखा दें। अगर कभी आप लोग आते हैं और हर की पैड़ी के घाटों में ज़्यादा भीड़ होती है तो आप गऊ घाट पर, सुभाष घाट पर, शिव घाट पर कहीं भी स्नान कर सकते हैं। और ये रहा घंटाघर घाट। Yeah, buddy.
करिए आप लोग दर्शन अच्छे से। और ये रहा आप सभी का और हमारा भी सबसे मुख्य घाट हरिद्वार का, सामने है ब्रह्मकुंड घाट। मान्यता है कि इसी स्थान पर जब समुद्र मंथन हुआ और जब अमृत निकला और जब अमृत कलश के छलकने से कुछ बूंदें इसी स्थान पर गिरी थी और इसी वजह से कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। कहते हैं कि वो जो बूंदें थी वो चार जगह गिरी थी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, और इसी वजह से इन चारों स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। देखिए आप, इस तरफ है घंटाघर घाट। अब मैं आप सभी को लेकर मालवीय घाट की ओर चलता हूँ, उस तरफ के भी दृश्य आपको दिखाएंगे। वीडियो को छोड़ कर ना जाएं, लगभग 2-3 मिनट और वीडियो चलेगी और उसके साथ साथ शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ शेयर करने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर पाएं। और ये है मालवीय घाट। सामने देखिए महिला घाट है। आज की ये वीडियो कैसी लगी है आप सभी को, एक प्यारा सा कमेंट लिखें। जय गंगे माता तो लिखें ही लिखें, कौन सा घाट के दृश्य देखकर आपको ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताएं। स्थान है जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा लगता है, वहीं पर ले चल रहे हैं आपको। ये देखिए यहाँ की, यहाँ पर देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ऐसे ही हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। कल कोशिश रहेगी कल हम आपको ऋषिकेश की वीडियो दें ताकि ऋषिकेश के भी दर्शन आप कर सकें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को।